नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतना नर्सरी में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सूरजमुखी के फूल से उसके बीज को निकालना। इसके पहले दो वीडियो में हम सूरजमुखी के बीज को उगाना और उन्हें उगने के बाद ट्रांसप्लांट करना सीख चुके हैं। अब जैसा कि ये सूरजमुखी का फूल देखिए पूरी तरह से पक चुका है, तो अब इसके अंदर से हम सीड्स निकालेंगे। सीड्स निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इस फ्लावर को कट कर लेना है। इस फ्लावर को हम कट करने के बाद प्लेट में रखेंगे। ये देखिए प्लेट में रखेंगे। प्लेट में रखने के बाद अगर ये पूरी तरह सूखा है तो ये सीड तो अपने आप निकाल देगा, नहीं तो आप इसे हल्के हाथों से, अगर ये सीड्स पूरी तरह सूखे हैं तो ये आसानी से निकल आएंगे। फिर भी अगर ये थोड़ा बहुत गीले हैं या फिर पूरी तरह से पके नहीं है, तब भी आप इन्हें निकाल कर धूप में सुखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सीड्स निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जो आसानी से निकल भी रहे हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ब्लैक ब्लैक सीड्स सूरजमुखी के फूल से निकल रहे हैं। सीड्स निकालना बहुत आसान है दोस्तों। अब इस पौधे को मैंने क्या है, एंडिंग सीजन में लगाया था, तो इसने कई ब्रांचेस नहीं दी हैं, सीधे इसमें एक फूल आया और ये पककर ख़त्म हो गया। मगर इसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि जो नए सीड्स तैयार हैं उससे हम बहुत सारे पौधों को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, एक फूल में कम से कम 50 से ज़्यादा सीड्स निकल आते हैं जो अगले सीजन के लिए ग्रो करने हेतु एकदम तैयार रहेंगे। आप इन्हें क्या करना है, इन्हें निकालने के बाद कुछ दिन आप धूप में सुखा दीजिए। धूप में सूखने के बाद इन्हें किसी एयर टाइट बॉक्स या फिर आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसमें पैक करके आप इन्हें रख सकते हैं। उससे क्या है, ये सीड्स एकदम सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इन सीड्स को निकालना बहुत ही आसान है। ये देखिए कितने ढेर सारे सीड्स। सूरजमुखी के पौधे को अगर आप अपने गार्डन या बालकनी में लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके गार्डन में मधुमक्खियां या फिर कई तरह की जो पतंगे होते हैं वो उड़ के आते हैं, जो परागण की प्रक्रिया को आसान बना देते हैं, जो कई फूलों पर बैठते हैं, जिससे क्या है फूल फल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने सारे सीड्स, सिर्फ एक ही फूल से इतने सारे सीड्स निकल कर बाहर आए हैं। ये देखिए जो काले काले आप देख पा रहे हैं, ये सब सीड्स हैं। बाद में मैं क्या करूँगा, इनसे कचड़े को अलग करके सीड्स सीड्स जो बचेंगे उन्हें मैं धूप में सुखा लूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों, सूरजमुखी पर मेरे बनाए गए तीनों वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आपने जो अभी इस वीडियो को देखा वो भी ये पसंद आया होगा आपको। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट मुझे दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा के आप नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।